हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं चटपटे स्वीट कॉर्न। स्वीट कॉर्न बनाने के लिए यहाँ पर हमने ले लिए हैं कॉर्न, नमक, मिर्च और कॉर्न फ्लोर। नमक आप अपनी स्वाद अनुसार ले सकते हैं। कॉर्न को उबालने के लिए हमने यहाँ पर पानी को गर्म कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे कॉर्न। अब हम इन्हें 4 से 5 मिनट के लिए उबलने देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे कॉर्न बिल्कुल उबल कर तैयार हो चुके हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने कॉर्न को पानी से अलग कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे कॉर्न फ्लोर। मिर्च, नमक। अब हम इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने में हमें पानी की आवश्यकता नहीं होती। अगर आपको ये थोड़ा सूखा लगे तो आप इसमें हल्का 1 से आधी चम्मच पानी मिला सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा कॉर्न फ्लोर अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसे फ्राई करेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। ऑयल को हमें ज़्यादा गर्म नहीं करना है, इसको हमें मीडियम ही रखना है। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसमें कॉर्न फ्लोर को फ्राई होने के लिए डालेंगे। हम 2 से 3 मिनट के लिए इनको मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे, उसके बाद 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे कॉर्न बिल्कुल फ्राई होकर तैयार हो चुके हैं। अब हम इनको निकाल देंगे। ऐसे ही हम अपने सभी कॉर्न को फ्राई कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे कॉर्न फ्राई हो चुके हैं। अब हम इनको एक बाउल में डालेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने कॉर्न को बाउल में कर लिया है। अब हम इसमें नींबू का रस डालेंगे। नींबू का रस मैंने डाल दिया है। अब हम इसमें जीरा पाउडर मिलाएंगे। अब हम इनको इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। लीजिए फ्रेंड्स, तैयार है हमारी स्वीट कॉर्न चाट। देखिए फ्रेंड्स, हमारी कॉर्न चाट तैयार हो चुकी है। आप भी इस तरह से बनाइए और अपने परिवार को खिलाइए।